तो हे गेमर्स, वेलकम टू रीजनरेशन गेमिंग। मैं ध्रुव आप सभी का स्वागत करता हूँ रीजनरेशन गेमिंग की ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइज, ये है माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 2। सो जिसने माइनक्राफ्ट का वो नंबर 1 एपिसोड नहीं देखा उसको पता नहीं हो कि हमने क्या किया। तो मैं बता दूँ, हमने बेड बनाया था और थोड़ी बहुत एफिशिएंसी पूरी की थी। सो आज देखते क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, ये रहा मेरा माइनक्राफ्ट का बल्ड, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में मेरा देख ही लिया होगा। बाकी अब जल्दी से हम क्राफ्टिंग टेबल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम फर्नेस बनाना चालू करते हैं। सो क्या आपको फर्नेस नहीं पता क्या होता है? अरे मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं बताऊँगा ना फर्नेस क्या होता है। सो फर्नेस बेसिकली खाना पकाने के लिए होता है। सबसे पहले यहाँ कोल डाल देते हैं। क्या खाना पकाने की क्या जरूरत होती? अरे हम बताते हैं ना यार, ये जो आपको राइट साइड में तो आपको राइट साइड में फूड का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें से फूड नहीं है। सो अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा फूड नहीं बढ़ता। तो मैं यहाँ से एक रॉ मटन उठा के वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ताकि वो पकने लगे। अब वो पकने जा चुका है, अब इसको हम निकाल के आराम से खा लेंगे। फर्नेस का बेसिकली काम होता है तंदूर का। आपको पता ही होगा तंदूर किस लिए काम होता है। सो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, अब इतना बड़ा वर्ल्ड है, ये पूरा ओपन है अभी फिलहाल। आपको कहीं पर कुछ दिख रहा है खाने लायक? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप तो फिर, बाकी आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब जाने तो छोड़ो, वो बात हटाओ। सो हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पिलर्स ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि पिलर के पास आराम से हमें फूड ऐसा मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? हाँ, ब्रेड वगैरह मिल जाएगी तो हम खा सकते हैं, वो नॉन वेज नहीं होती है। सो फिलहाल मैं मटन वगैरह तो नहीं खाने के सोच में रहा हूँ। पहले ब्रेड तोड़ देते हैं और हम चलने की यहाँ पर तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ब्रेड वगैरह चाहिए तो यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। सो गाइज, अब आपको समझ में आ चुका है कि ये फर्नेस किस काम आता है, ये फूड लाइन क्या होती है। ओके, हमारा रॉ मटन 4 पक चुका है, बट हमें तो चाहिए ब्रेड्स। सो मैं यहाँ पे जल्दी से सब पका लेता हूँ, क्योंकि अगर कुछ नहीं रहेगा तो फिर क्या ही कर लेंगे। तो गाइस, बेसिकली मैंने सब कुछ पका वगैरह लिया है। अब जल्दी से यहाँ से फर्नेस को तोड़ लेते हैं पिकैक्स से, और एक्स से तोड़ लेते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल को। ओके, हमने ये सब काट लिया और हम निकलने के लिए तैयार है गाइस। तो अब हमें कुछ ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर हमें कुछ खाने के लिए मिल सके, जैसा कि विलेज। अगर विलेज नहीं मिलता है तो हम बीफ वगैरह खा लेंगे, क्योंकि हमारी दो ही सिर्फ वो बचे हुए हैं फूड लाइन, मतलब दो बची नहीं हुई, मतलब दो कट चुकी हैं, मतलब दो कम हुई है, बाकी की बची हुई हैं। बट हमें फिर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि तेज़ भाग सके, क्योंकि अगर 3 बचती है फूड लाइन तो मतलब हमारी स्पीड बहुत कम जाती है। सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं जल्दी से विलेज की तलाश में निकल पड़ता हूँ गाइस। ओ भाई, चमत्कार हो गया, विलेज दिख रहा है, लिटरली विलेज है ये। सो गाइस, मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरे को माइनक्राफ्ट ने फर्स्ट टाइम विलेज, वो भी इतना जल्दी, उस किसी को भी इतना जल्दी पहली बार ही मिला हुआ आई होप। गाइस, काफी टाइम वेस्ट कर लिया, अब जल्दी से विलेज के अंदर चलते हैं और बहुत कुछ देखते हैं। ओ भाई, वो कौन है? अरे ये तो विलेजर्स हैं अपने भाई सब। और अरे भाई, ये क्या दिख गया, ये रही ना मेन चीज, जल्दी इसको तोड़ते हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि ये है क्या। सो बता दूँ, इसे हम कहते हैं वीट। और वीट से क्या बनता है, ब्रेड बनता है। आपको नहीं पता होगा, मुझको पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं माइनक्राफ्ट में पहले खेल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। बाकी गाइस, शाम होने वाले और मेरे 4 फूड खत्म हुए, तो जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रखते हैं और जल्दी से यहाँ पे मैं बटा लेता हूँ ब्रेड। ओके, मैंने ब्रेड बना लिए हैं, 4 बन चुकी है और मैंने बना के रख ली है। अब मैं जल्दी से ब्रेड को खा लेता हूँ गाइस। ओके, मैंने ब्रेड खा लिया और काफ़ी तेज़ी से ब्रेड से यार हेल्थ बढ़ती है वैसे देखा जाए तो। बाकी रात होने वाला, जल्दी से बिस्तर डाल के मैं सो जाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ओके, बिस्तर डाल लिया और सो गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। हेलो पिग, हेलो विलेज अंकल, विलेजर अंकल मार खाइए आप। अरे इसको क्या हो गया? ओ भाई, बॉडीगार्ड। अरे भाई क्या कर रहा है भाई, जल्दी से स्टोन ऊपर लगाओ। अबे मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, साइड हो। ओके, अभी बस मार ही देता ये मेरे को यार। भाई क्या हुआ, क्या तकलीफ है आपको भाई? मारो इसको, मारो। मर जा। अरे क्या खा के आया, मर जा भाई। शॉट से मारता हूँ भाई। मरता क्यों नहीं, मरना मर। अबे घूरे जा रहे हैं बहुत। मौके मर चुका है ये। हो, इससे क्या मिला मुझे? आयरन। ओ भाई साहब, जल्दी सब इसको तोड़ लेते हैं। ओके, मैंने सारे के सारे स्टोन, कोबल स्टोन तोड़ दिया है। बाकी ये घर भी वैसे, ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम ही बायोम देखी है। बायोम नहीं, विलेज बायोम ऐसा ही कुछ कहते हैं शायद। बाकी यार हमारी क्राफ्टिंग टेबल और क्या। ओके, मैंने यहाँ से तरबूज ले लिया। ओ हेलो फार्मर। अबे इसने देखा, मारेगा तो नहीं? ओ भाई इसने नहीं मारा यार, मैं ये भी तोड़ लूँ? भाई तूने क्यों तोड़ा? भाई ये तोड़ लूँगा मैं, क्या कर लेगा बोल, मेरे पास कमी थोड़ी है, इतना सारा तो है सब कुछ। और वैसे भी मेरे पास ब्रेड है, मैं तेरी ब्रेड क्यों लूँगा नुबड़े। ओके, यहाँ से तोड़ देते हैं।
ओके, अरे भाई ये क्या हुआ, यहाँ पे लगता क्रीपर फट गया था। ये डिज़ाइन है यार, बहुत यूनिक डिज़ाइन कोई कर रहा है यार, नहीं तो हद है। तो विलेज को हम एक्सप्लोर करते हैं और बाकी ये सारी पकी हुई लग रही, जल्दी से स्वीट्स को तोड़ देते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हमारा जो रियल होता है वर्ल्ड, हमारा रियल वर्ल्ड मतलब अर्थ, बेसिकली अर्थ में जो बीट होते हैं वो एक टाइम के बाद हम तोड़ते हैं, क्योंकि तब वो पक चुका होता है, वरना वो किसी का काम के लिए नहीं होता, यूजलेस होता है। बेसिकली वैसा ही माइनक्राफ्ट में भी सिस्टम है। बाकी ये क्या है भाई, ये ओ भाई ये क्या कर रखा है यहाँ पे, माउंटेन फार्मिंग कर रहे हैं, माउंटेन गार्डनिंग कहते हैं ना उसको, हाँ शायद ऐसा कुछ तो कहते हैं। बाकी यहाँ कहे बहुत लंबी थी यार, जाएंगे यहाँ भी, अब हम इस विलेज में आ गए तो यहाँ भी जाएंगे, बाकी सबको तोड़ता। और मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट इकट्ठे कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा भाई, वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है। बाकी यहाँ से चलते हैं। और वो भाई ये क्या है यार, अच्छा ये भी बीट ही है भाई, ये सब अभी उगी क्यों नहीं, शायद अभी मेरे को रेंडर हुआ है ना, मैं इस गेम को ज़्यादा खेला नहीं हूँ और मुझे जल्दी मिल गया इसलिए शायद से। ओ भाई आप क्या देते हो, भाग क्यों रहा है भाई, ओ भाई क्या हुआ, अरे सॉरी ना यार मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया यार, सॉरी यार, मतलब ऐसे रूट के मत जा, चल मैं कुछ खरीद लेता हूँ तेरे से। क्या 32, क्या पगला गया है क्या, मैं जा रहा हूँ नहीं खरीदना, रूठा बैठा रहा वहाँ पे नूबड़े, मतलब रूठता भी हो फिर इतना महंगा देने लगता है, हद है यार, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं और वो इतना महंगा देगा, मुझे लगा यार काठो लकड़ी उकड़ी मांगेगा मैं कुछ दे दूंगा, बट साला 32 तो पता नहीं क्या मांग रहा था पता होता तो शायद भग क्यों दूंगा भाई, 32 बहुत ज़्यादा होता है यार लिटरली। और चाचा मैं आपके फेड़ से कूट रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, खेत से काट रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है आपके, इन सबको कोई दिक्कत नहीं भाई, काफ़ी दिलदार लोग हैं लिटरली। बाकी मैं बहुत बकवास कर लिया हूँ और थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं। वैसे मुझे हे वेल कहीं भी नहीं मिली, भाई वो कुछ तो दिखा, ओ भाई आज मेरे मुंह में घी शक्कर यार, मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कुछ भी मिल रहा है, हे बेल भी मिल चुकी है। वैसे हर विलेज में एक हे बेल तो होती है, तो यहाँ भी होनी ऑब्वियस सी बात है, जल्दी जल्दी मैं हे बेल को तोड़ देता हूँ गाइस। ओके कदम कदम बढ़ाए जाओ, हे बेल को तोड़े जाओ, कदम कदम बढ़ाए जाओ, हे बेल को तोड़े जाओ, 1 2 3 4 हे बेल की जय जयकार। ओके मैंने सारी हे बेल्स ले ली है और अब मैं बहुत ज़्यादा ब्रेड बना लूँगा, हुए हुए क्या बकवास करता रहता हूँ। बाकी ओ भाई ये कौन है, I first time in Minecraft I see this type of man. Sorry trader. भाई आप मेरे को देख के गेट क्यों बंद कर रहे हो आज, बाकी आप क्या देते हो बताओ जरा। अरे तुम जैसा कि तो भागो यहाँ से नूबड़ो, कपड़े बदल लेंगे लेकिन माल नहीं बदलेंगे नूबड़े कहीं के। और बिल्ली मौसी कहाँ जा रही हो, मेरे को भी ले चलो, नहीं ले गई यार गंदी बिल्ली है। बाकी मैंने एक बात देखा कि इन सबके घर में एक चेस्ट नहीं है नूबड़ो के। ओके और भाई तू तो सेम ही बंदा, तू भी खैर जाने दो, कितना भी मार लो इन नुबड़ों को अकल नहीं आने वाली, क्योंकि अकल खरीदने से आई मीन से मारने से नहीं मिलती, नहीं तो सबके पास अकल होती है। मैं तो अपने दोस्त को मार के आया उसको अकल ही नहीं आई। बाकी यहाँ पे चेस्ट है, देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। वाओ ब्रेड्स ले लो जल्दी से सब कुछ। बाकी यहाँ से मैं जल्दी से इसको भी तोड़ ही देता हूँ, चेस्ट को क्या पता कभी काम आए। वाह शॉर्ट से तोड़ रहा हूँ मैं अभी, कितना प्रो प्लेयर हूँ यार लिटरली एक्स किस लिए, देखने के लिए। बाकी इन सब के घर में देखते, किसी ने घर में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सो बहुत घरों में ढूंढा पर कुछ नहीं मिला, बाकी ये काफ़ी महंगा घर लग रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। सो व्हाट हाँ ये तो खाली है यार पूरा। बाकी का जो हमारा पोपट हो चुका हूँ कुछ नहीं था, बट यहाँ पे मेरे को आने पे हे बेल मिल गई है, अब इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती गाइज। जल्दी से हे बेल को तोड़ लेते हैं गाइज। सो गाइज मैंने सारी हे बेल्स तोड़ ली हैं, अब हम वापस चलते हैं विलेज की तरफ को और अपनी सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल ढूंढते हैं और उससे जल्दी से अपने लिए एक वाटर बकेट बना लेते हैं, क्योंकि आयरन हमारे पास है। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आयरन गोलम को मारा तो उससे मुझे आयरन मिल गया था, तो अब उससे मैं जल्दी से एक बकेट बना लेता हूँ, बकेट ठीक है बकेट बना लेते हैं। बाकी वो वहाँ पे एक सरपंच आई मीन टू से पंचायत क्या चल रही है भाई, क्या हुआ ओ भाई, हाँ हाँ वो भी है अंकल, क्या हुआ बताओ ना मेरे को भी जानना है। हाँ बताओ आप बताओ यार। हाँ अच्छा हो सही में, वो सब छोड़ो आपको पता है कि मेरी वो कहाँ पे है, क्या कहते हैं क्राफ्टिंग टेबल आपको पता था कहाँ है मेरी, भाई आपको पता है क्या, नहीं अच्छा विलेज में क्या हुआ वो आपको पता है, बताओ क्या हुआ है। ओहो भाई साहब पता है आपको क्या हुआ है विलेज में, एक गोलम मर चुका है गाइस।
हाँ जिसको मैंने मारा, इन लोग को लग रहा पता नहीं क्रीप्स ने मार दिया, बताना नहीं है गाइस कि हमने मारा, आप लोग मत बताना उन लोगों को कि मैंने मारा है, ठीक है ना, नहीं बताना मैंने बताया तो क्या करूँगा। बाकी मेरे को इन्होंने बताया ही नहीं कहाँ पे यार, अब जल्दी से उसको ढूंढते हैं यार, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल, ओ वो रही क्राफ्टिंग टेबल, अबे साले तूने चुराया था क्या, ओ कहाँ भाग रहा है, ओ ओ कहाँ भाग रहा है, मेरी क्राफ्टिंग टेबल चुराएगा है बेटा, इतना मारूंगा ना कि आज के बाद कुछ चुराने लायक नहीं का छोटा नहीं था मेरी प्यारी क्राफ्टिंग टेबल, तुम कहाँ थी, जल्दी से अभी से हम वाटर बकेट बना लेते हैं। ओके मैंने बकेट बना ली है, बाकी रात भी होने वाली है, मैं इसमें से निकले रहता हूँ वाटर बकेट और वाटर, वैसे ही वाटर बकेट नहीं सिर्फ बकेट है, इसमें हमें पानी भरना पड़ेगा तब जाके वाटर बकेट बनेगी, तो यहाँ से हम वाटर को ले लेते हैं। ओके अब ये बन चुकी है वाटर बकेट, इससे हम वाटर बकेट ट्रिक भी करेंगे MLG बाद में, अभी नहीं। बाकी इसको हम यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा सजा लेते हैं अपने इसको, ताकि थोड़ा आसानी रहे मारने में किसी को। ओके सो वो रही हमारा बेड, बेड में सो जाते हैं जल्दी से गाइस। सुप्रभात माइनक्राफ्ट के निवासियों, मैं ध्रुव आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग कहता हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखने का सोच रहा हूँ मैं फिर से, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत से लोगों से बातें की, विलेज ढूंढा, फालतू चीज़ें की और बस फालतू चीज़ें की, बस आज हमने विलेज ढूंढा, उसके अलावा सब कुछ फालतू काम किया है और हमने कुछ भी नहीं किया है यार, मतलब खुद पे शर्म आ रही है। बाकी मेरे हार्ट्स हार्ट्स नहीं फूड लाइन कम दिख रही, तो मैं जल्दी से ब्रेड खा लेता हूँ और क्या, कड़म खा जल्दी खा। ओ भाई खाते वक्त कितना प्यारा लगता है मेरा करेक्टर यार, ओ माय गॉड। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।